भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बीकानेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अरुण चतुर्वेदी का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में जो हालात है सबको पता है, ईआरसीपी पर कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा एकजुट है, महंगाई को लेकर कांग्रेस पर भी निशान साधा और इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी बीकानेर में हैं। दरअसल इन दिनों राजस्थान में खासी हलचल है, फिर बात चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, जनता के मुद्दों पर भी बहुत सारी बात हो रही है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग बेवजह तूल देते हैं, आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। अरुण चतुर्वेदी जो प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, एक अनुभव है, क्या मानते हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल स्थिति बन रही है राजस्थान में, भाजपा किन मुद्दों पर काम कर रही है? देखिए, वैसे तो 3.5 साल का लगभग समय सरकार को पूरा हो चुका। हम अगर नटशेल में पूरा एक संक्षेप में बात करें, कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। 3.5 साल पहले चुनाव के समय इन्होंने वादे किए थे किसानों के ऋण माफ़ी का, आज भी किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ऋण माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते का विषय, बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। जितने भी संविदा के ऊपर करने वाले कर्मचारी थे उनको रेगुलराइज करने की बात है, उनको रेगुलराइज करने की बात नहीं हुई। एक एक करके जितने चुनाव हुआ, उन्होंने कहा था बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे, वृद्धि हो रही है, लगातार चीज़ों को करने की बात हुई। दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी चिंता की बात जो हो रही है, एक तरफ तो राजस्थान का विकास पूरी तरह ठप है, दूसरा पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो जनहितैषी योजनाएँ थी उन जनहितैषी योजनाओं को इन्होंने रोक करके नए टेक के साथ अपनी योजना शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन धरातल पर एक नहीं उतरी। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन योजनाओं को राजस्थान में प्रभाव शुरू किया उनको रोकने का प्रयास लगातार किया। उदाहरण दे सकता हूँ कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको उन्होंने राजस्थान अपने RGHS के नाम से योजना शुरू की, चिरंजीवी के नाम से बनाई, आज आपके चैनल्स और अखबार सब लिख रहे हैं कि RGHS या चिरंजीवी के नाम से लोगों को इलाज पूरी तरह नहीं मिल रहा। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना लागू की, उसको लागू नहीं किया। एक तरह से इन सबके कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चिंता का विषय राजस्थान में। पर वो ERCP की बात करते हैं, गजेंद्र शेखावत पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने कहा उसके बावजूद नहीं हुआ। मैं किलता कह सकता हूँ कि थाने और चौकी आज सत्ताधारी दल के विधायक और विधायक प्रत्याशी के जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रहमो करम पर खड़े हैं। जहाँ कहते हैं इसी का परिणाम है कन्हैयालाल की हत्या, जब वो 11 तारीख को छूट के आता है, अपनी FIR लॉन्च कराता है, पुलिस आतंकवादियों के साथ बिठा करके समझौता कराती है, बाद में मारा जाता है। चिरंजीलाल सैनी राजगढ़ में इसी मोटर्स अपरेंटी को अपनाया, उन्हीं अलगाववादियों आतंकवादियों ने फिर एक बार चिरंजीलाल को मारा, पुलिस उनको भी पैसे देकर रफा दफा करने की बात होती है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में पहले नंबर पर खड़े हैं। आज हालत यह है कि महिला अपने आप को ना घर पर सुरक्षित मानती है, ना थाने में सुरक्षित समझती है, ना सड़क पर सुरक्षित है। साधु संत, चाहे वो आप सपोटरा की बात करें, चाहे महुआ की बात करें, अभी जयपुर के मुर्गी भी एक विधायक की तरफ उंगलियाँ उठी उसमें, तो उसके ऊपर अगर कहीं चीज़ है तो भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष तरीके से जाँच की। तो इन सबको लेकर के नटशेल में आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी सुरक्षा की बात कर। पर दूसरा, आपने ERCP की जो बात की है, मैं इतना ही कहूँगा, अशोक गहलोत जी सामने की बात की, इस पूरे विषय को लेकर के एक पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ, उसमें भी उनका उनकी तरफ से एक सहमति एक मंत्री ने दी, हमने कहा एक टेक्निकल कमेटी बना लीजिए, वो टेक्निकल कमेटी CEDULC में जाए, जाकर के उनकी क्या क्या आपत्ति है उनको बात करने का काम करें, और इसमें सब दलों के प्रतिनिधियों को साथ जोड़ दीजिए, जाकर के उन टेक्निकल कमेटी जितनी भी कमियां हैं उन टेक्निकल कमियों को दूर करके आप केंद्र सरकार को भेजिए, हम कराने हम उसको पास कराने की बात करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की, सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि बात चाहे कानून व्यवस्था की हो या दूसरे मुद्दों की, सरकार फेल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके निशाने पर दिखे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।